हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन जेंगो पे बना हुआ प्रोजेक्ट डिस्प्ले करूँगा, जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी नोट्स शेयरिंग साइट। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स या फैकल्टी नोट्स शेयर कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग ब्रांच के। तो मैंने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है वो है पाइथन इंटरप्रीटर। पाइथन का इंटरप्रीटर आप डाउनलोड करेंगे python.org वेबसाइट से। उसके अलावा आपको पाइथन का आईडी यूज़ करना है, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आईडी जो यूज़ किया था डेवलपमेंट के लिए वो पाईचार्म यूज़ किया था। ठीक है, और ब्राउज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं आउटपुट के लिए, गूगल क्रोम भी हो सकता है, एक्सप्लोरर भी हो सकता है। अब जो डिज़ाइनिंग लैंग्वेज मैंने यूज़ की हैं वो है HTML, CSS, Bootstrap और JavaScript को भी हमने यूज़ किया है। बैकएंड में डेटाबेस हमने यूज़ किया है SQLite, पाइथन हमारी लॉजिकल लैंग्वेज है, जेंगो हमारा फ्रेमवर्क है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे अगर आप इसका सोर्स कोड परचेज़ करना चाहते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। सोर्स कोड का कॉस्ट है 1200 रुपीज़ और सोर्स कोड रिपोर्ट प्लस PPT 1300 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट है नोट्स शेयरिंग डीजेंगो। ठीक है, तो मैं इसको पाईचाम के साथ भी रन कर सकता हूँ या डायरेक्ट CMD विंडो से भी रन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे CMD विंडो ओपन कर लेता हूँ। अब रन करने के लिए कमांड होती है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, ये कमांड हम यूज़ करते हैं ताकि पाइथन का जो डिफ़ॉल्ट सर्वर है वो रन हो जाए। ठीक है, अब ये जो मुझे एड्रेस मिला है इसको मैं कॉपी करता हूँ। और ब्राउज़र पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, ये इसका फ्रंट पेज है। तो ये स्टेप्स यहाँ बताइए, मैंने अकाउंट क्रिएट करना है, लॉगिन करना है, आप अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये अबाउट अस पेज मैं आपको शो कर देता हूँ। दैट वॉज दी अबाउट अस पेज एंड देन आफ्टर कॉन्टेक्ट अस पेज। यहाँ पे हमने मैप का भी यूज़ किया है, अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो ये मैप आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसके बाद लॉगिन एंड एडमिन लॉगिन। ठीक है, तो मैं आपको पहले यूज़र से लॉगिन करके बताता हूँ। अगर आप अकाउंट पहले से क्रिएट कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, और अगर आप नए यूज़र हैं तो आप साइन अप करोगे। तो क्रिएट एन अकाउंट पे मैंने क्लिक किया तो ये साइन अप फॉर्म ओपन हो गया। अकाउंट ऑलरेडी आपके पास है तो आप जाके सीधे लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। नाम मैंने कुछ भी दे दिया, मैंने दे दिया संदीप एट दी रेट सॉरी मुझे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं क्रिएट एन अकाउंट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया संदीप और कुछ भी लास्ट नेम दे दिया। कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, ईमेल एड्रेस दे दिया, sandeep@gmail.com, पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया 1234। ठीक है, पासवर्ड मैंने सेट कर दिया 1234। ब्रांच के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं। तो मैंने ले लिया कंप्यूटर साइंस, आप एक स्टूडेंट हैं या फैकल्टी हैं तो मैंने टीचर ले लिया। सबमिट किया तो ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ। तो मुझे ईमेल आईडी एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है। तो पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया
1 2 3 4। सबमिट किया तो आप देखेंगे लॉगिन हो गया सक्सेसफुल। यहाँ पे सारी डिटेल आ गई आपकी, नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। आप एडिट भी कर सकते हैं अपना इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे नाम को एडिट करना है तो मैंने नाम यहाँ पे नंबर एडिट कर दिया, नंबर एडिट करना है मुझे। और ब्रांच भी अगर एडिट करना है तो वो भी कर सकते हैं, मैकेनिकल कर दिया, अपडेट कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और ब्रांच दोनों अपडेट हो गया। फिर से मैं यहाँ पे अगर अपडेट करता हूँ, मैं वापस कंप्यूटर साइंस कर देता हूँ, ठीक है। बट यहाँ मुझे एक चेंज करना चाहिए, यहाँ कॉन्टैक्ट नहीं आना चाहिए, ब्रांच आना चाहिए। तो मैं ये पेज ओपन करता हूँ, कोड भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा कोड है, टेम्पलेट्स आपको देखना है तो यहाँ पे मिलेंगे टेम्पलेट्स। अब यूज़र की प्रोफाइल हम एडिट कर रहे हैं, तो ये यूज़र का होम पेज है। इसका नाम मैंने दिया है profile.html। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने दो बार कॉन्टेक्ट लिख दिया था, तो यहाँ पे ब्रांच लिख देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश किया, ये आप देखेंगे ब्रांच लिखा हुआ आ गया। ओके, तो अब मैं आपको बता, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं व्यू ऑल नोट्स पे। तो जो भी नोट्स अपलोड किए हैं दूसरे यूज़र्स ने या जिसने लॉगिन किया है, वो भी देख सकता है नोट्स को। लेकिन नोट्स वही डिस्प्ले होंगे जिनका स्टेटस क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। ठीक है, पहले जब हम नोट्स अपलोड करेंगे तो एडमिन उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, तो ही वो नोट्स किसी सामने वाले को दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको देखता हूँ, व्यू माय नोट्स में जाता हूँ तो अभी कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि ये जिसने लॉगिन किया है उसने अभी कोई भी नोट्स अपलोड नहीं किए हैं। तो हम कुछ नोट्स अपलोड करते हैं। ब्रांच सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट ले लिया मैंने जावा, चूज फाइल, तो मैंने कोई भी फाइल सेलेक्ट की अपने सिस्टम से। तो मैं यहाँ पे, एक मेरे पास पीडीएफ फाइल है, इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैंने बता दिया पीडीएफ फाइल है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दिया इम्पोर्टेंट नोट्स या किस यूनिट्स के नोट हैं, किस टॉपिक के नोट्स हैं, वो सारा डाल सकते हो आप उसमें। व्यू माय नोट्स, तो जिसने अभी अपलोड किया है, जिसने लॉगिन किया है, तो संदीप यूज़र से हमने लॉगिन किया है और उसको उसका डेटा दिखाई दे रहा है जो उसने अपलोड किया है। वो चाहे तो अपने नोट्स को खुद भी डाउनलोड कर सकता है, ये नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे। डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकता है। व्यू ऑल नोट्स में अभी ये डेटा नहीं आएगा, क्योंकि ये नोट्स अभी एक्सेप्ट नहीं है उनका स्टेटस। इसका जो स्टेटस है वो अभी पेंडिंग है। ठीक है, याद आप देख रहे हैं स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। तो पेंडिंग स्टेटस वाले जो नोट्स हैं वो व्यू ऑल नोट्स में नहीं आएंगे। ठीक है, जिसने अपलोड किया है केवल वही अपने नोट्स को देख सकता है। यहाँ से पासवर्ड चेंज हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ही मैंने लिंक्स दिए हैं अपनी प्रोफाइल देखने के लिए, प्रोफाइल को एडिट करने के लिए और पासवर्ड चेंज करने के लिए। लॉग आउट करता हूँ मैं और एडमिन से वापस लॉगिन करता हूँ। तो एडमिन अकाउंट में मैंने लॉगिन करने के लिए जो एडमिन पहले से क्रिएट करके रखा है, क्रिएट सुपर यूज़र कमांड का यूज़ करके, तो उससे मैंने लॉगिन किया। तो ये आप देख रहे हैं एडमिन सेक्शन यहाँ पे ओपन हो गया है। इसको मैं किसी दूसरे ब्राउजर में ओपन करता हूँ। तो दूसरे ब्राउज़र में अगर मैंने ओपन किया तो पहले फिर से ये आपको बोलेगा लॉगिन करने के लिए।
तो ये लॉगिन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इस वाले ब्राउज़र में आपको डिज़ाइनिंग अलग दिख रहा है, क्योंकि ये मेरा जो पहले मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसका डिज़ाइनिंग आ रहा है। तो ब्राउज़र का कैशे कभी कभी प्रॉब्लम करता है, ब्राउज़र के कैश ब्राउज़र में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है सेव हो जाती है, कलर्स वगैरह, तो इसीलिए मैंने इस वाले ब्राउज़र में ओपन किया। तो ये मेरा करंट डिज़ाइनिंग आप देख रहे हैं, ये मैंने डिज़ाइनिंग अभी बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से एडमिन साइन आउट कर सकता है, और यहाँ पे ये सारे ये बता रहा है नोट्स पेंडिंग कितने हैं, एक्सेप्ट कितने हैं, किन का स्टेटस रिजेक्ट है। तो यहाँ से मैं यूज़र्स देख सकता हूँ कौन कौन से यूज़र्स अवेलेबल हैं। तो ये तीन यूज़र्स, एक का रोल है टीचर और बाकी दो स्टूडेंट। अब मैं अगर यहाँ देखना चाहूँ कि कौन कौन से नोट्स का स्टेटस पेंडिंग है, तो ये पेंडिंग नोट्स हैं जो अभी मैंने अपलोड किया था एक, इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। तो ये ऑल नोट्स में अगर जाऊंगा तो ये हमें डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, जिसका स्टेटस पेंडिंग होगा, ऑल नोट्स में तो सभी आएगा, पेंडिंग और एक्सेप्टेड रिजेक्टेड सभी आएगा। ठीक है, बट एक्सेप्टेड में केवल वही आएगा जिनका स्टेटस एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, और रिजेक्टेड में वही आएगा जिनका स्टेटस रिजेक्टेड होगा। ठीक है, तो रिजेक्ट में अभी कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, किसी को मैं रिजेक्ट करता हूँ, जैसे ये नोट्स अभी अपलोड किए थे, तो इनका इसका स्टेटस मैं चेंज करता हूँ, इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे व्यू अब ये रिजेक्टेड में आ चुका होगा। ठीक है, तो रिजेक्टेड में ये आ गया, इसका स्टेटस क्या है, रिजेक्ट है। अगर मैं वापस इसको रिजेक्ट की जगह एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, और अब ये एक्सेप्टेड वाले नोट्स में आप देखोगे तो आ चुका होगा। ठीक है, तो एक्सेप्टेड में ये भी आ चुका है। एडमिन भी इसको चाहे तो डाउनलोड कर सकता है किसी फाइल को, तो ये फाइल यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मैं जाता हूँ डैशबोर्ड में, तो आप देखेंगे यहाँ एक्सेप्टेड नोट्स कितने हो गए, तीन हो गए, रिजेक्टेड में कुछ नहीं है तो जीरो आ रहा है। ठीक है, अगर मैं किसी का स्टेटस क्या करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने ऑल नोट्स पे जाके अभी यहाँ जीरो है, रिजेक्ट करूँगा तो वहाँ पे वन हो जाएगा। मैं इसका स्टेटस चेंज करता हूँ, इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ, अब मैं जाता हूँ डैशबोर्ड पे, तो आप देखेंगे रिजेक्टेड नोट्स वन हैं, और ये टोटल नोट्स कितने हैं, फोर हैं। ठीक है, अब हम साइन आउट करते हैं, और अगर नोट्स एक्सेप्ट हो चुके हैं तो कोई दूसरा यूज़र, जैसे अभी मैंने जो अकाउंट क्रिएट किया था वो संदीप नाम से किया था, अब मैं ऑलरेडी जो मेरे पास अकाउंट बना हुआ है उससे मैं लॉगिन करता हूँ किसी दूसरे यूज़र से, gmail.com। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं व्यू ऑल नोट्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये संदीप यूजर ने जो अपलोड किया था वो भी दिख रहा है, क्योंकि इसका स्टेटस एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, तो जिन जिन का स्टेटस एक्सेप्ट होगा वही यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। व्यू माय नोट्स में वही नोट्स डिस्प्ले होंगे जो इस करेंट यूज़र ने जिसने लॉगिन किया है उसी के नोट्स उसको दिखेंगे, रिजेक्ट हो या पेंडिंग हो या एक्सेप्ट हो सब दिखेगा। बट व्यू ऑल नोट्स में केवल वही आएगा जिनका स्टेटस क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ सिंपल नोट्स शेयरिंग साइट प्रोजेक्ट। If you want the source code for study purpose, then please contact me. That is my WhatsApp number. So bye for now.